हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो गाइज, जैसा कि हमारा 11th क्लास की जो स्टेटिस्टिक को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लगभग 11 जो चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया था, और उसके भाई हमने दो पार्ट, मतलब 11 चैप्टर के जो सह संबंध के जो कोरिलेशन वाले थे, हमने उसके दो पार्ट को कवर कर लिया था। ठीक है, तो यार आज की जो वीडियो होने वाली ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? ठीक, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो हमने दो पार्ट में हमने क्या देखा था, तो मैंने पहला जो पार्ट था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सहसंबंध के मतलब डेफिनेशन क्या होती है और सहसंबंध के प्रकार। ठीक है, फिर दूसरे वाले में हमने देखा था कि जो सहसंबंध की विधियाँ होती है, तीन विधि कौन कौन सी थी। एक आपका प्रकीर्ण आरेख, ठीक है, और दूसरा आपका कार्ल पियर्सन, और तीसरा क्या था, स्पीयरमैन का। ठीक है, तो हमने जो मतलब प्रकीर्ण आरेख वाले जो टॉपिक्स थे, उसमें जो ग्राफ वाले थे, वो सारे के सारे हमने देखे थे कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे कैसे मतलब रिलेशन को निकाल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यार आज की जो वीडियो होगी ना, वो देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड होगी। करो जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे ही देखा होगा कि यहाँ पर पूरा फॉर्मूला कौन कौन से जो आपके, क्योंकि चैप्टर में दो ही मैथड जो आपके बड़े लॉन्ग मैथड है, एक आपका कार्ल पियर्सन का, दूसरा आपका स्पीयरमैन का, कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दोनों मतलब दोनों जो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो दोनों अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा जो फॉर्मूले दिए गए हैं सहसंबंध निकालने के लिए, तो उस फॉर्मूले के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो यार आप सबसे पहले कि अगर वो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी, वो आपको क्या होगी, कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, पहला जो हमें पढ़ना है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। ठीक है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। अब देखो, बहुत सारे मतलब एग्जाम में क्या होता है कि पेपर में जो बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है, क्या होती है, पेपर में बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से मेथड्स करना है। अगर मान लो आपको पेपर में मान लो आपको नाम नहीं मेंशन करता है, तो आपको देखना है, अगर आपसे सिर्फ कह रहे हैं कि सहसंबंध गुणांक निकाली, तो आप समझ जाना कि कौन सा मेथड को अप्लाई करना है, कार्ल पियर्सन को, कौन से, कार्ल पियर्सन को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंतर श्रेणी सहसंबंध निकालना, कह रहे हो कि अंतर श्रेणी, तो जब आप अंतर वर्ड अगर आप देख लोगे, तो समझ जाना कौन सा रहेगा आपका, स्पीयरमैन का, कौन सा, स्पीयरमैन का। क्लियर यहाँ तक? तो देखिए, जो कार्ल पियर्सन होते हैं, उन्होंने क्या होता है कि कोरिलेशन को, कोरिलेशन का मतलब क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि कोरिलेशन का मतलब सहसंबंध का अर्थ क्या था। ठीक, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो ये देखो, तो और आप करना क्या, ये जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसको आप एक पेज में, एक पिन पेज लोगे, उसमें आप नोट बना के मतलब इसको एक तरह से पिन पेज में फॉर्मूला लिखो। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम वगैरह में आप बैठोगे, तो बस एक बार आपको फॉर्मूला देखना होगा, बाकी इसके क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखे गए कि कार्ल पियर्सन के द्वारा ना हमारे पास तीन मेथड आते हैं। एक आपका होगा पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका लघु विधि, और तीसरा क्या होगा, पद विचलन विधि होगा। ठीक, मतलब आप कह सकते हो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और दूसरा क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर यहाँ तक? तो देखो, प्रत्यक्ष विधि जब भी अप्लाई करोगे, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक, और नोट बना के भी आप लिख सकते हो। जब भी हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, तो हमारा मेन फॉर्मूला तो ये रहेगा, क्या होगा, सिग्मा। देखो, सिग्मा का मतलब क्या होगा कि जो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा ना, क्या करो मैं, जो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करो, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर दे रखा आपका सिग्मा एक्स वाई, तो मतलब इनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका सिग्मा कर दोगे, मतलब प्लस कर दोगे। ठीक है, फिर अब कह रहे हैं कि इज इक्वल टू, मतलब फिर आपका देखो यहाँ पर कह रहे हैं अपॉन में अंडर रूट कितना, सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा हार्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो टेंशन, मतलब मैं आपको सारा करवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना, शेयर करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें देखो जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन्स कि आपका माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, देखो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या होता है कि x माइनस में क्या होगा, x बार, जो आपका x दिया होगा, ठीक है, नंबर जो सीरीज दी होगी, तो उसमें से जो x बार आपने निकाला होगा, उसको माइनस कर दोगे, तो क्या आएगा आपका, x की वैल्यू आएगी। सेम प्रोसेस जो आप x के साथ करोगे, वही प्रोसेस आपका क्या रहेगा, y के साथ। y निकालने के लिए क्या करोगे, y माइनस में क्या करोगे, y बार। क्या करो, y निकालने के लिए करोगे, y माइनस में y बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष। आप लोग बिल्कुल भी करो टेंशन मत लीजिए, एक एक मेथड में आपको दो दो तीन तीन सवाल आपको करवाऊंगा। ठीक है, बस अभी हमें इस वीडियो में करना है फॉर्मूले को समझना, फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा इस पूरे चैप्टर में।
दूसरा अगर हमारा लघु विधि, ठीक है। लघु विधि में देखो क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात को याद रखना, यहाँ पर आप नोट बना लेंगे, लघु विधि में हमें माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य। क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य, एज्यूम में निकालते हैं उसके बेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी एक्स और अपॉन में क्या मतलब इंटू में क्या डी वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या होगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा डी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एक्स मतलब डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आपका सिग्मा डी वाई इंटू में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। और अपॉन में क्या एन हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, आपका अपॉन, फिर उसके बाद अंडर रूट क्या होगा, सिग्मा, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर क्या जाएगा आपका, टू, ठीक है। फिर यहाँ पर जो एक्स के साथ होगा सेम वाई के साथ प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी मतलब सिग्मा डी वाई उसका क्या जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर लघु विधि में, तैयार है। लघु विधि में हम क्या लेके चलते हैं, लघु विधि में हमें बताया गया, नोट बना के इसको आप लोग लिख लेना, कि लघु विधि में हमें जो नोट लिखना है तो हमें यहाँ पर कल्पित माध्य निकालना होगा। क्या करूँ मैं, कल्पित, ठीक है, कल्पित माध्य निकालना होगा, जिसे हम कहते हैं एज्यूमिंग, हमें ए मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें लिखोगे नोट तो इसमें आप नोट बना के लिख लेना, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक, चलिए ये हो गया। अब दूसरा देखो, तीसरा हमारा कह रहा है कि जो तीसरा स्टेप होगा पद विचलन विधि, क्या करो, पद विचलन विधि, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, पद विचलन विधि में कह रहा है कि सेम, दोनों फॉर्मूला सेम है आपका, लघु विधि और पद, लेकिन बस यहाँ पर क्या होता है, डैश का कंसेप्ट आया, क्या जाएगा, डैश। तो यहाँ पर भी देखो आप पूरा क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई है, सिग्मा डी, बस यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है, डैश। आपको सर डैश कैसे निकालेंगे, तो जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब, जैसे आपको मान लो आपको क्या निकालना, डी एक्स डैश निकालना, तो जो डी एक्स की वैल्यू होगी उसको आप सी से मतलब डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पर आएगा डी एक्स डैश आ जाएगा, क्लियर है। तक जब न्यूमेरिकल वो करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से वहां पर सीखेंगे। और फिर माइनस में कह रहा है सिग्मा, ठीक है, डी एक्स डैश इंटू में सिग्मा डी वाई डैश अपॉन में क्या एन हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आता है आपका, यहां पर आपका कह रहा है कि अंडर रूट सिग्मा डी डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस में क्या होगा, सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम यहां पर वाई पे कह रहा हूँ कि फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, कह रहे हो फॉर्मूला आप लोगों का देखने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आप इसको एक से दो बार आप क्वेश्चन लगाओगे, इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बिल्कुल फॉर्मूला हलवा लगेगा, क्या लगेगा, बिल्कुल हलवा, ठीक है, बस याद करना है। ये तो हमारा हो गया। दूसरा हमारा जो आते हैं यहाँ पर कौन से, जो स्पीयरमैन का अंतर श्रेणी से संबंध, बस याद रखना कि स्पीयरमैन का कब यूज होगा, जब हमारे को क्वेश्चन में ऐसा कोई वर्ड यूज कर देगा, क्या कह रहा हूँ मैं, अंतर श्रेणी से संबंध, अंतर श्रेणी से संबंध अगर वर्ड यूज करता है तो समझ लेना वहां पर कौन से मेथड का अप्लाई करना है यहाँ पर स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन का मेथड भी यहाँ पर दो मतलब तीन केसेज रहेंगे इसमें। पहला क्या होगा आपका, श्रेणी क्रम दिया गया हुआ थे। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो आप लोगों क्लास में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे ज्यादा नंबर लाता है उसकी पोजीशन होती है कि निकलोगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते हैं। तो यहां पर वही हमें अप्रोच करना है कि जब श्रेणी क्रम दिया गया मतलब जब ऑलरेडी क्या फर्स्ट सेकंड पोजीशन बना दिए गए तो हमें केस ये रहेगा मतलब पहला केस हमें ये पढ़ना है। उसके बाद जब श्रेणीक्रम ना दिया गया, ठीक है, अब देखो जब श्रेणीक्रम ना दिया हो गया तो एक ये केस हमें पढ़ना है। उसके बाद होगा कि जब श्रेणीक्रम का समान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हो जब श्रेणीक्रम ना दिया गया तो देखो आपको डिजिट दे देंगे लेकिन वहाँ पर क्या होंगे कि लोगों को डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन, वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको जज बनना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा करना है यहाँ पर जब श्रेणीक्रम, आप देखो कभी कभी ऐसे एग्जाम में होता है एग्जामिनर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। जैसे मान लो आपकी क्लास में क्या है, ठीक है, आपकी क्लास में जो बच्चे मतलब जो टॉपर थे दो बच्चे ऐसे निकले जिनके नंबर पूरे के पूरे क्या मतलब इक्वल सेम है, ठीक है, जो आपका टोटल ऑफ मतलब 600 में से होता है उसमें मान लो किसी मतलब एक बच्चे का है मतलब 4 to 5 है मतलब 425 दो बच्चों के नंबर आए, ठीक है, और सबसे हाई शोध हुए, तो बताओ आप लोग कि उस बच्चा किसको हम फर्स्ट कहें। अगर मान लो किसी कहते हैं कि भाई आप फर्स्ट और सेकंड दिक्कत होगी कि नहीं, बच्चे को बुरा लगेगा नहीं, ठीक है, सिंपल है। तो इस सिचुएशन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब श्रेणीक्रम क्या होगा समान होगा तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि देखो इन दोनों श्रेणीक्रम के लिए ना, इन दोनों श्रेणीक्रम के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा ये अप्लाई होगा, ठीक है। क्या करें मैं दोबारा, कि जब श्रेणीक्रम समान हो और जब श्रेणीक्रम दिए गए तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, बात समझ आता है। अब यहाँ पर कह रहा है आर के का मतलब क्या होता है कि स्पीयरमैन को शो करेगा और सिर्फ जो आर होता है वो किसको, कार्ल पियर्सन को, ठीक है। अब देखो यहां पर कह रहा है कि 1 माइनस में 6 सिग्मा, ठीक है, यहां पर कह रहा है सिग्मा डी स्क्वायर डैश। तो ये हम तरीका देखेंगे कैसे कैसे डी कैसे निकलता है, क्या रहेगा, और एन वाई वगैरह, ये सारा हम क्वेश्चन में करेंगे, बट आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो फॉर्मूले को समझना है, ठीक है।
और इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा हैवी लग रहा है, कह रहे हो, और सबसे आसान फॉर्मूला, बिल्कुल कह सकते हैं सबसे ईजी फॉर्मूला ये, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट सबसे आसान फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्यों है, आप लोगों में अगर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब उसमें हम अच्छे से देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें जैसे करेंगे आपका 6 into में क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब आपका सिग्मा डी स्क्वायर प्लस में 1/2, और यहाँ पर m 1 3 और माइनस में क्या होगा यहाँ पर m, ठीक है। इसको अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा ना तो आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो r के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट होगा 6, ठीक है, क्या होगा सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस में 1/2, यहाँ पर m1 का क्यूब और यहाँ पर m1, ठीक है, और फिर प्लस होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये m12 होगा, सॉरी कितना होगा यहाँ पर m12, क्लियर आता है, कितना होगा m12, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 का क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 का, ठीक है। तो ये देखो आगे बढ़ सकता है बट आपके पेपर मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देखा ना, बस आपका m2 तक ही करवाएगा। तो वही फॉर्मूला सेम यहाँ पर हमें कब रखना है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक कब आप कमेंट करिए, आपको कोई और टॉपिक पे कोई समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, उस पर आपको पर्टिकुलर एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर क्या रहेगा हमारा न्यूमेरिकल रहेंगे। तो यार आप क्या करो, सबसे पहले तो ये वीडियो को ना अपने हर एक दोस्त के पास शेयर करो ताकि फॉर्मूले को देख लेगी फॉर्मूला कैसा रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।